नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। एप्पल में फोन हैकिंग का मुद्दा अभी कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। इस पर देश में जो राजनीतिक बवाल मचा वो तो एक तरफ है, उसके ऊपर हम आपको काफी सारी बातें बता भी चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी एप्पल ने अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक यूजर्स को तुरंत अपने एप्पल प्रोडक्ट में लॉकडाउन मोड को ऑन कर लेना चाहिए। ये कोरोना वाला लॉकडाउन नहीं है, ये एप्पल वाला लॉकडाउन है। एप्पल का कहना है कि ये टूल यूजर्स को हैकिंग की घटनाओं से बचाने में मदद करेगा। इस मामले में एप्पल की तरफ से यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भी बकायदा भेजा गया। कंपनी का कहना है कि वो हैकिंग के शिकार लोगों की मदद के लिए कुछ एक्स्ट्रा कदम उठा रही है। असल में एप्पल की तरफ से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो किया गया उसमें लॉकडाउन मोड भी यूजर्स को दिया गया है। इससे यूजर्स को स्पाईवेयर और हैकिंग से एक प्रोटेक्शन मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है। लॉकडाउन मोड iOS 16, iPadOS 16, macOS Venture और उसके बाद के जितने भी एप्पल के वर्जन हैं उनके लिए रोल आउट किया गया। अब ये भी जान लीजिए कि आपको इसे एक्टिवेट कैसे करना है। एप्पल के मुताबिक यूजर्स को सबसे पहले तो हैकिंग से बचने के लिए अपनी डिवाइस में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप भी लेटेस्ट वर्जन पे आ जाइए। फिर इसके अलावा डिवाइस में पासकोड सेट करना चाहिए। फिर इसके अलावा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ऐप आईडी के लिए मजबूत पासवर्ड भी बनाना चाहिए। ऐप्स को केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए। हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड डालना चाहिए और किसी भी अनजान सोर्स और या फिर लिंक पर क्लिक आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यूजर्स को लॉकडाउन मोड भी एक्टिवेट करना चाहिए। तो ये वो तमाम एहतियात है जिनके बारे में एप्पल ने लोगों को आगाह किया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए अब सबसे पहले तो आपको फ़ोन की सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद वहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन जो होगा उसमें जाना होगा। फिर उसके बाद लॉकडाउन मोड में जाकर आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात ये बता दूँ कि लॉकडाउन मोड जब आप एक्टिवेट कर देंगे तब फिर उसके बाद कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपके मोबाइल पर काम करना बंद कर देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि एप्पल के फ़ोन में ये लॉकडाउन फीचर क्या है और आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो काम का लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।